हिंसा में आरोप झेल रहे कांग्रेस विधायक मामन खान की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। मामन खान को पहले एसआईटी ने पूछताछ के लिए तलब किया और अब पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट से झटका लगा है। दरअसल मामन खान ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। मामन खान ने मांग की थी कि आईजी के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया जाए और जब तक ये एसआईटी गठित नहीं होती है तब तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो। हालांकि हाईकोर्ट ने मामन खान की याचिका को खारिज कर दिया है। नूह हिंसा मामले की जांच एसआईटी कर रही है। अगर वो कोई जांच मामन खान से कराना चाहती है तो वो कर सकती है, इसमें कोई रोक नहीं होगी। वहीं मामन खान द्वारा प्रोटेक्शन को लेकर की गई अपील को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। कोर्ट को ये भी बताया गया कि इन्वेस्टिगेशन बहुत ही फेयर तरीके से चल रही है। आउट ऑफ 52 अक्यूज्ड, क्योंकि एफआईआर में 5 ही अक्यूज्ड थे, उसके बाद बाकी नॉमिनेट हुए, तो कुल 52 अक्यूज्ड में से 42 अरेस्ट हो चुके हैं, एक अक्यूज्ड की रेगुलर बेल हुई है और कोर्ट को जो भी एविडेंस इनके खिलाफ इकट्ठा किया गया इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के द्वारा उससे कोर्ट को अवगत करवा दिया गया है। हाई कोर्ट ने साफ कहा है कि अगर मामन खान गिरफ्तारी से बचना चाहते हैं तो अग्रिम जमानत के लिए निचली अदालत में अपील करें। प्राइमरी एविडेंस थी जिस बंदे ने डिस्क्लोजर स्टेटमेंट दिया, उनकी इनके साथ अकरन से 2 दिन पहले 4 बार बातचीत हुई है और दोनों ही दिन अकरन से पहले ये अकरन से 1.5 किलोमीटर के दायरे में मौजूद थे। उसके बाद इनकी ग्रुप्स पे व्हाट्सएप चैट है, फिर इनके सपोर्टर्स जो को क्यूज हैं उनकी फेसबुक पोस्ट है। सो दिस ऑल फैक्ट्स कॉरोबोरेट दैट ही हैज इंस्टिगेटेड दिस वायलेंस। प्रमाफिशाई सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट सरकार की तरफ से पेश हुए एडिशनल एडवोकेट जनरल दीपक सभरवाल ने कहा कि नूह हिंसा में जो आरोपी पकड़े गए हैं उन्होंने जांच के दौरान पुलिस के सामने मामन खान का नाम लिया है, इसलिए पुलिस मामन खान से पूछताछ करना चाहती है। वो नोटिस है कि जो इन्होंने बाकी प्रेयर बोली है कि जी पॉलिटिकल ऑरा में इन्वेस्टिगेशन शेयर ना करी जाए और एसआईटी बताई जाए, तो कोर्ट ने ये बताया कि आपकी पिटीशन में भी ये नहीं है कि एसआईटी फेयर इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रही, तो उसके लिए हमें नोटिस दिया, हमने प्रमाफशाही तो कोर्ट को बता ही दिया, तो कोर्ट ने अगर हमसे हरियाणा सरकार को रिप्लाई फाइल करने के लिए बोला वी विल फाइल इट। याचिका में मामन खान ने कहा कि वो 26 जुलाई से लेकर 1 अगस्त तक नूह में मौजूद नहीं थे, लेकिन सरकार के वकील का कहना है कि मामन खान के टावर लोकेशन और व्हाट्सएप चैट से साफ पता चलता है कि वो नूह में ही मौजूद थे और मामन खान की सुरक्षा कर्मियों का भी यही कहना है। पोस्ट है, सो दिस ऑल फैक्ट्स कॉरोबोरेट दैट ही हैज इंस्टिगेटेड दिस वायलेंस। प्रमाफिशाई लेकिन मामन खान के जो वकील हैं उन्होंने भी अपनी याचिका में कहा है कि हमने सबूत दिए हैं वहां पर मामन खान 26 से लेकर 1 तारीख तक मौजूद नहीं थे, और दूसरा जो उन्होंने अपनी याचिका में कहा है कि कोई दंडात्मक कार्रवाई उन पर ना की जाए जब तक उनकी सुनवाई नहीं होती। अब जैसे आज सुनवाई हुई है तो आगे इस तरीके की कार्रवाई की जा सकती है? ऐसा है जी, वो एज पर लॉ कार्रवाई होगी वंस ही हैज बीन नॉमिनेटेड एज एन अक्यूज्ड, और जो उन्होंने पिटीशन में लिखा है कि मैं नूह में मौजूद ही नहीं था 6 दिन, वो उनकी टॉवर लोकेशन और CDMR और उनके जो पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर है उनके स्टेटमेंट से ही झूठ साबित हो जाता है। काबिले गौर है कि 31 जुलाई को ब्रज मंडल यात्रा के दौरान नूह में 2 समुदायों में हिंसा भड़क उठी थी, कई जगह तोड़फोड़ और आगजनी की गई थी। इस हिंसा में 6 लोगों की मौत हो गई थी। कांग्रेस विधायक मामन खान पर हिंसा को भड़काने और दंगाइयों के साथ देने का आरोप है। चंडीगढ़ से रवि चंदेल, सूर्य समाचार।